जो एक गली में कांग्रेस की दरी बिछाने का काम करके मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के आज ऊर्जा का संचार हुआ है। जीतू पटवारी वो नेता है जो मध्य प्रदेश ही नहीं देश के किसी कोने में आज चर्चा करेंगे तो राव विधानसभा और जीतू पटवारी किसी पहचान के मोहताज है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए एक एक गली में आज प्रदेश में सबसे ज्यादा टीम अगर किसी की है तो वो कुणाल चौधरी और जीतू पटवारी। वो जीतू पटवारी जो लगातार सड़कों से लेकर सदन तक संघर्ष करते आए हैं, अभी सदन में लड़ाई लड़ते थे किसानों को लेके, आदिवासियों को लेके, युवाओं की नौकरियों को लेके, और कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान की बोलती बंद करने का काम जीतू पटवारी करते थे। अब हम सब मिलकर जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश के गली गली में संघर्ष करेंगे और पुनः जो इस 2023 में हमसे कमियां रह गई हैं हम मानते हैं, हम स्वीकार करते हैं। जनता ने हमें विपक्ष का काम सौंपा, पूरी ईमानदारी धार्मिकता इच्छा के साथ इस शक्ति के साथ निभाएंगे और सरकार की कमियों को उजागर करेंगे और पुनः कांग्रेस की जब तक सरकार नहीं बना लेंगे तब तक हम साथ रहेंगे। जिस तरह से प्रदेश में परिवर्तन हुआ, एक सर्जरी हुई है, क्या लोकल स्तर में भी सर्जरी होगी? बिल्कुल जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका देना चाहिए क्योंकि आज जीतू पटवारी उमंग सिंगार और हेमंत कटारे जैसे युवाओं को आगे लाया तो आज प्रदेश में देखिए कैसे खुशी का माहौल है। स्वाभाविक बात है अब ब्लॉक स्तर जिला स्तर में भी युवाओं को जो क्षमतावान युवा उनको आगे आना होगा, उनको पार्टी मौका देगी तब जाके कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत। हम सब पूरी ताकत से जीतू पटवारी जी के साथ इस लोकसभा चुनाव को लड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीट मध्य प्रदेश में हम हासिल करेंगे।